ज्ञानवर्धक कहानी शून्य का मान। 20वीं सदी प्रारंभी हुई थी। कहानी उन्हीं दिनों की है। स्थान था दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर का एक विद्यालय। उस दिन टीचर कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। वो अपने छात्रों को भाग देने का तरीका समझा रहे थे। अध्यापक महोदय अपने छात्रों को बता रहे थे, अगर चार आमों को चार बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 आमों को 10 व्यक्ति में विभाजित किया जाए प्रत्येक को एक आम मिलेगा। विद्यार्थी चुपचाप उनकी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। आगे वह बोले, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा एक ही होता है। कक्षा में एक ऐसा मेघावी छात्र था जो अध्यापक के इस सूत्र की गलती समझता था। वो तुरंत खड़ा हो गया और पूछने लगा, महोदय अगर शून्य आमों को शून्य व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को एक आम मिलेगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक मन में कुछ विचलित से हुए। उनको लगा कि छात्र के अटपटे सवाल से पढ़ाने में बेवजह बाधा आ गई। इसलिए विद्यार्थी को डांट कर बोले, बेवकूफी के सवाल मत किया करो, शून्य का कोई मान नहीं होता, इसलिए शून्य फलों को बांटने की बात संभव नहीं है। लेकिन शिक्षक की डांट सुनकर भी विद्यार्थी चुप नहीं हुआ। आत्मविश्वास भरे शब्दों में गंभीरतापूर्वक बोला, महोदय शून्य का मान होता है। अगर दो के दाईं ओर हम एक शून्य रख दें तो वो 20 हो जाता है। इसी में एक शून्य और बढ़ा दें तो 200 हो जाता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि शून्य का कोई मान नहीं होता है। अध्यापक के पास कोई उत्तर न था। बातचीत यहीं रुक गई क्योंकि अध्यापक निरुत्तर थे। कुंभकोणम के टाउन हाउस स्कूल में मौजूद वह मेधावी छात्र था श्रीनिवास रामानुजन। बाद में उसने अपने गणितीय चमत्कारों से दुनिया को आश्चर्यचकित किया और आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। बहुत बहुत शुक्रिया।